2000 का गुलाबी नोट पर तुगलकी फरमान, नोटबंदी 2.0, नो ऑल अबाउट इट। घर के तिजोरियों में छुपा कर रखे 2000 के गुलाबी नोटों का अब क्या होगा। देवियों सज्जनों और आप सभी सहयोगों का मेरा प्यार भरा नमस्कार। 2000 का गुलाबी नोट पर तुगलकी फरमान, नोटबंदी 2.0, नो ऑल अबाउट इट। घर के तिजोरियों में छुपा कर रखे 2000 के गुलाबी नोटों का अब क्या होगा, जाने कुछ इन्हीं सवालों के जवाब। रिजर्व बैंक ने 2000 रुपये के नोटों को सितंबर 2023 के बाद चलन से बाहर करने की घोषणा की है। हालांकि अभी चलन में मौजूद 2000 रुपये के नोट वैध मुद्रा में बने रहेंगे। इन नोटों को बैंकों में 23 मई से 30 सितंबर तक जमा कराया जा सकता है या बदला जा सकता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 रुपये के नोट को क्लीन नोट पॉलिसी के तहत बंद करने का फैसला किया है। इस पॉलिसी के तहत RBI धीरे धीरे 2000 के नोट बाजार से वापस ले लेगा। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक फिलहाल 3.62 लाख करोड़ रुपये के 2000 के नोट सर्कुलेशन में है, लेकिन ट्रांजेक्शन बेहद कम हो रहा है। 2000 रुपये मूल्य का नोट को 8 नवंबर 2016 को 1,500 बैंक नोटों की नोटबंदी डीमोनेटाइजेशन के बाद भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा जारी किया गया था और 2000 के नोट 10 नवंबर 2016 से परिसंचलन में रहा है। यह 2000 मूल्य के नोट पूरी तरह से नए डिजाइन के साथ बैंक नोट्स की महात्मा गांधी नई सीरीज का हिस्सा रहा है। हम आगे विस्तार से बताएं, उससे पहले ये जानते हैं कि 2000 रुपये की गुलाबी नोट जिसे RBI चलन से वापस ले रही है, वह 2000 का नोट कितने में छपता था। तो हम आपको यहाँ यह बता देते कि 2000 रुपये के एक नोट को छापने में सरकार को 4.18 रुपये खर्च करने होते थे और 500 रुपये के एक नोट को छापने का खर्चा 2.57 रुपये होता था। वही 100 रुपये के नोट को प्रिंट करने का खर्चा 1.51 रुपये आता है तथा 10 रुपये के एक नोट को छापने का खर्च 1.01 रुपये आता है। बैंक ग्राहकों को तत्काल प्रभाव से नहीं देंगे 2000 के नोट, एक बार में सिर्फ 20,000 रुपये मूल्य के नोट ही बदले जाएंगे। नवंबर 2016 में 2000 रुपये के नोट पहली बार जारी किए गए थे। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2000 रुपये के नोट को चलन से बाहर करने की शुक्रवार को घोषणा कर दी है। हालांकि इस मूल्य के नोट बैंकों में जाकर 30 सितंबर तक जमा या बदले जा सकेंगे। RBI ने अपने जारी एक बयान में कहा है कि अभी चलन में मौजूद 2000 रुपये के नोट 30 सितंबर तक वैध मुद्रा बने रहेंगे। इसके साथ ही RBI ने बैंकों से 2000 रुपये का नोट देने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने को कहा है। अब इन नोटों का क्या होगा? जिनके पास 2000 का नोट है वे लोग क्या करें? कब तक बैंक में ये नोट जमा होंगे? अब इन नोटों का क्या होगा? जिनके पास 2000 का नोट है वे लोग क्या करेंगे? कब तक बैंक में ये नोट जमा होंगे? क्या कोई चार्ज भी देना होगा? जाने 2000 के नोट बैन से जुड़े सभी सवालों के जवाब यहाँ। 2000 रुपये मूल्य के बैंक नोट वापस क्यों लिए जा रहे हैं? नवंबर 2016 में 2000 रुपये के नोटों की शुरुआत की गई थी। इसका मकसद था कि 500 और 1000 रुपये के नोटों को वापस लेने के बाद अर्थव्यवस्था में करेंसी की जरूरत को तेजी से पूरा किया जा सके। उस मकसद के पूरा होने और अपर्याप्त मात्रा में अन्य मूल्य के नोटों की उपलब्धता के साथ 2018-19 में 2000 रुपये के नोटों की छपाई बंद कर दी गई थी। 2000 रुपये मूल्य के ज्यादातर नोट मार्च 2017 से पहले जारी किए गए थे। इन नोटों का अनुमानित जीवन काल 4 से 5 साल ही था। यह भी देखा गया कि इस मूल्य के नोटों का आमतौर पर लेन देन के लिए उपयोग नहीं किया जाता है। जनता की करेंसी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अन्य मूल्य वर्ग के बैंक नोटों का स्टॉक पर्याप्त बना हुआ है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए और भारतीय रिजर्व बैंक की क्लीन नोट नीति के मुताबिक यह निर्णय लिया गया है कि 2000 रुपये के नोटों को चलन से वापस ले लिया जाए। क्लीन नोट नीति क्या है? यह जनता को अच्छी गुणवत्ता वाले बैंक नोटों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए RBI की ओर से अपनाई गई एक नीति है। 2000 रुपये के नोटों की कानूनी स्थिति क्या है? 2000 रुपये के बैंक नोट अपनी कानूनी वैधता को बनाए रखेंगे। क्या सामान्य लेन देन के लिए 2000 रुपये के नोट का इस्तेमाल किया जा सकता है? हाँ, जनता अपने लेन देन के लिए 2000 रुपये के नोटों का उपयोग जारी रख सकती है, उन्हें भुगतान में प्राप्त भी कर सकती है। हालांकि उन्हें 30 सितंबर 2023 को या उससे पहले इन बैंक नोटों को जमा करने और या बदलने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। जनता अपने पास रखे 2000 रुपये के नोटों को क्या करें? जनता अपने पास मौजूद 2000 रुपये के नोटों को जमा करने और या बदलने के लिए बैंक शाखाओं संपर्क कर सकती है। खातों में जमा करने और 2000 रुपये के नोटों को बदलने की सुविधा 30 सितंबर 2023 तक सभी बैंकों में उपलब्ध होगी। एक्सचेंज की सुविधा 30 सितंबर 2023 तक RBI के 19 क्षेत्रीय कार्यालयों में भी उपलब्ध होगी जिसके पास इशू डिपार्टमेंट है।
क्या बैंक खाते में 2000 रुपये के नोट जमा करने की कोई सीमा है? बिना किसी प्रतिबंध के बैंक खातों में जमा किया जा सकता है, बशर्ते यह KYC के मौजूदा नियमों और अन्य लागू जरूरतों के मुताबिक हो। क्या 2000 रुपये के बैंक नोटों एक्सचेंज की राशि पर कोई लिमिट है? जनता एक समय में 20000 रुपये की सीमा तक 2000 रुपये के नोटों का एक्सचेंज कर सकती है, यानी कि 2000 के 10 नोटों को जमा कर सकती है। क्या 2000 रुपये के नोटों को बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट के माध्यम से बदला जा सकता है? हाँ, 2000 रुपये के नोटों का एक्सचेंज एक खाता धारक के लिए प्रतिदिन 4000 रुपये की सीमा तक बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट के माध्यम से किया जा सकता है। किस तारीख से एक्सचेंज की सुविधा मिलेगी? बैंकों की तैयारी की व्यवस्था करने के लिए समय देने के लिए जनता से अनुरोध किया गया है कि वे एक्सचेंज सुविधा का लाभ उठाने के लिए 23 मई 2023 से बैंक शाखाओं या भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों से संपर्क करें। क्या बैंक की शाखाओं से 2000 के नोटों को बदलने के लिए बैंक का ग्राहक होना आवश्यक है? नहीं, एक गैर खाताधारक भी किसी बैंक शाखा में एक बार में 20000 रुपये की सीमा तक 2000 रुपये के नोट बदल सकता है। अगर किसी को कारोबार या अन्य मकसद के लिए 20000 रुपये से अधिक नकद की आवश्यकता है तो क्या होगा? खातों में जमा बिना किसी प्रतिबंध के किया जा सकता है। 2000 रुपये के नोटों को बैंक खातों में जमा किया जा सकता है और उसके बाद इन जमाओं के हिसाब से नकदी की जरूरत के मुताबिक निकाला जा सकता है। क्या एक्सचेंज सुविधा के लिए कोई चार्ज देना होगा? नहीं, एक्सचेंज सुविधा मुफ्त में दी जा रही है। क्या वरिष्ठ नागरिकों, विकलांग व्यक्तियों आदि के लिए एक्सचेंज और जमा करने की विशेष व्यवस्था होगी? बैंकों को निर्देश दिया गया है कि वे 2000 रुपये के नोटों को बदलने, जमा करने के इच्छुक वरिष्ठ नागरिकों, विकलांग व्यक्तियों आदि असुविधा को कम करने के लिए व्यवस्था करें। अगर कोई 2000 रुपये के बैंक नोट तुरंत जमा बदल नहीं सकता है तो क्या होगा? पूरी प्रक्रिया को जनता के लिए सुविधाजनक बनाने की खातिर 2000 रुपये के नोटों को जमा करने और या बदलने के लिए 4 महीने से अधिक की अवधि दी गई है, इसलिए जनता को इस समय के भीतर इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए सलाह दी गई है। अगर कोई बैंक 2000 रुपये के बैंक नोट को बदलने, स्वीकार करने, जमा करने से मना कर दे तो क्या होगा? शिकायतकर्ता पीड़ित ग्राहक पहले संबंधित बैंक से संपर्क कर सकते हैं। यदि बैंक शिकायत दर्ज करने के 30 दिनों की अवधि के भीतर जवाब नहीं देता है या शिकायतकर्ता बैंक द्वारा दिए गए जवाब से संतुष्ट नहीं है तो शिकायतकर्ता रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल ओम्बड्समैन योजना के तहत cms.rbi.org.in पर शिकायत कर सकता है। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद। हमारे चैनल से जुड़े रहने और वीडियो देखने के लिए देवी सज्जनों और आप सभी सहयोगों का दिल से धन्यवाद।